माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम माँ चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इसी दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इंद्रलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़क और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में भक्तों को पीत वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप सुनहरे रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। माँ को आपको सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए। इसमें खीर या सफेद बर्फी ले सकते हैं। आप माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं। मंत्र: पिंड ज प्रवरा रुणाम चंड को पास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटेति विश्रुता। जिस किसी जातक की कुंडली में मंगल कमजोर है या उसे मंगल दोष है तो नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजा करके उसका निवारण कर सकते हैं। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की वस्तु और हलवा या मेवे का भोग लगाएं। पहले माँ के मंत्र का जाप करें, उसके बाद मंगल के मूल मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। चाहे तो इस सिक्के में छेद करवाकर लाल धागे में डाल लें और गले में पहन लें।